पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त नमो ऐप के जरिए उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं लाइव। हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य रहा है, इसलिए देश की हर रसोई में स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित कराते की दिशा में हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की शुरुआत देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद हो गई थी, लेकिन 2014 यानी करीब करीब 6-7 दशक के बाद भी सिर्फ 13 करोड़ परिवारों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा था। अब आप समझ सकते हैं कि शुरू में बड़े बड़े लोगों को ही मिलता है, उन्हीं को पहुंचाया गया। समाज में भी जिनके घर में गैस का चूल्हा है उसको बहुत बड़ा माना जाता था, सामान्य व्यक्ति के घर में गैस के चूल्हे की कल्पना नहीं हो सकती। और मैं तो बराबर, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो कुछ बड़े लोग ऐसी भी बातें करते थे, मैं हैरान हो जाता था। वो कहते नहीं, गैस का चूल्हा नहीं रखना चाहिए, कभी आग लग जाएगी, कभी नुकसान हो जाएगा। तो मैं कभी पूछता था बचपन में कि भाई तुम लोगों के घर में है, गरीब के घर में आएगा तो तुम्हें तकलीफ क्या है, तो जवाब नहीं देते थे। लेकिन ऐसा भी एक झूठ फैलाया जाता था। आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं, यानी जितना 60-70 साल में हुआ करीब उतना ही काम हमने 4 साल में कर दिया। उन्होंने पहले जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया, हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है, जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, जो धुएं की जिंदगी गुजारते हैं, जो माताएं बहनें मजदूरी भी करती हैं, रोजी रोटी कमाने में मदद करती हैं, और फिर लकड़ी ढूंढने जाना, खाना पकाना, इतना कष्ट माँ बहनों को होता था, हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। और इसमें भी 4 करोड़ कनेक्शन, ये हमने 10 करोड़ में से 4 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया, वो पूरी तरह मुफ्त में दिए गए। सरकार ने इसी वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य, पहले हमने सोचा था 5 करोड़ कर लेंगे, लेकिन काम इतना अच्छा हुआ, डिपार्टमेंट के लोग भी लगे, हमारे सभी एमपी लगे, एमएलए लगे, और उसके कारण इतना सफलता मिली, तो अब हमने लक्ष्य 5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ कर दिया। 8 करोड़ बीपीएल परिवारों तक हम पहुंचना चाहते हैं, और जिसे 2020 तक, यानी ऐसा नहीं कि चलो अभी 50-60 साल के बाद, नहीं, 2020 तक, यानी आज से 2 साल के बाद हम इस काम को पूरा कर देना चाहते हैं। और इसके लिए करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त आवंटन कर इसे कुल करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया किया गया है। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है, शायद आप सबने भी जो स्कूल गए होंगे, माताएं बहनें, उन्होंने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे, उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह उन्होंने 1933 में लिखी थी, और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था, वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है, और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है।
मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। मुझे दुख है कि इतनी पुरानी सामाजिक चुनौती को स्वतंत्रता के बाद की सरकारों के लिए उस पर देखने का समय ही नहीं था, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े लोगों का काम करना था। गैस कनेक्शन उनकी प्राथमिक लिस्ट में था ही नहीं, और यही वजह है कि आजादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन भी किस तरह मिलते थे, कैसे सांसदों विधायक से सिफारिश करवानी पड़ती थी, ये आप सब जानते हैं। गरीब तो सोच ही नहीं सकता था उसके घर में कभी गैस का सिलेंडर हो सकता है, वो तो बेचारा हिम्मत ही नहीं करता था। उसको तो जिसके घर में गैस का सिलेंडर, मतलब घर के बाहर जैसे बीएमडब्ल्यू कार खड़ी है और वो जो भाव जगता था, गैस में गैस का चूल्हा है तो भी लोगों को ऐसा भाव लगता था। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों का फल ये हुआ है कि आज देश में हर 100 परिवार में से 81 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, स्वच्छ ईंधन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही हम सभी परिवारों तक खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, आपको अंदाज आएगा। उज्ज्वला योजना का सही लाभ मिल सके, इसके लिए हमने एलपीजी पंचायत भी शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के जो उपभोक्ता है, ये उनके लिए चर्चा का एक बड़ा विशेष प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और लाभों के संबंध में उन्हें शिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें एलपीजी के उपयोग को लेकर कोई दुविधा ना हो या कोई डर न रहे। इस वर्ष 1,00,000 एलपीजी पंचायत आयोजित करने की योजना हमने बनाई है। पंचायत में शामिल होने वालों से उनकी एलपीजी खपत के बारे में जानना और उनके रिफिल प्रयोग को समझाने में मदद मिलेगी। इससे एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस पंचायत के दरअसल 2 तरह का लाभ है। ये तो पता चलता है कि नए उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं क्या है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने नए ग्राहकों के बारे में समझ में को बढ़ाने में मदद मिलती है। पिछले महीने 14 अप्रैल यानी बाबा साहब आंबेडकर की जयंती से लेकर इस महीने 5 मई तक जो ग्राम स्वराज अभियान चला, ये बहुत ही सफल हुआ। इस वर्ष 20 अप्रैल को मनाए गए उज्ज्वला दिवस के अवसर पर एक दिन में लगभग 11,00,000 एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। लगभग 16,000 उज्ज्वला पंचायतें भी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50,00,000 लाभार्थियों ने खुद आकर के हिस्सा लिया।